अस्सलाम वालेकुम। टुडे 28 जुलाई 2020। इन मैथ्स वी आर गोइंग टू डू प्लेस वैल्यू। ओके बेटा, प्लेस वैल्यू मीन्स मकामी कीमत। आज हम प्लेस वैल्यू मालूम करेंगे कि प्लेस वैल्यू मीन्स व्हाट। इससे पहले हमने एक्सपांशन ऑफ ए नंबर में प्लेस वैल्यू देखे हैं, तो इट्स वेरी इजी। एक सबसे पहले फॉर एग्जांपल दिस इज अ नंबर 55,555। ओके, अब इस नंबर में तमाम जितने सारे डिजिट्स हैं सारे के सारे क्या है, 55555। तो यानी यूनिट प्लेस पर भी 5 है, टेंस पर भी 5 है, 100 पर भी 5 है, 1000 पर भी 5 है और 10,000 पर भी 5 है। अब इन तमाम 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी, इनकी अपने को प्लेस वैल्यू मालूम करनी है। तो क्या प्लेस वैल्यू 555 है तो 5 ही रहेगी? नहीं। क्यों नहीं? यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो उसकी प्लेस वैल्यू 5 ही रहेगी, क्योंकि यूनिट प्लेस पे प्लेस वैल्यू चेंज नहीं होती। टेंस पे प्लेस वैल्यू 5 है तो वो क्या हो जाएगी, 50। वही 5 अगर 100 प्लेस पर है तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 500। 1000 पे है 5 तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5000। और 10,000 पर जो 5 है उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 50,000। देखिए इस तरीके से। तो ये हमने एक्सपांशन ऑफ नंबर में सीख चुके हैं। बस आपको उस वक्त ये नहीं मालूम था जो प्लेस 10,000 पे जो नंबर है उसके ऊपर जब हम लिखते थे इस तरीके से 50,000, तो ये 50,000 जो है इस 5 की प्लेस वैल्यू है। इसी तरीके से इस नंबर पर 1000 के प्लेस पे जो 5 है उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 5000। 100 के प्लेस पे जो 5 है उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 500। और 10 के प्लेस पर जो 5 है उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 50। और यूनिट के प्लेस पे जो भी नंबर रहेगा उसकी वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी, वो वही का वही रहेगा। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 रहेगा। तो ये जो है 50,000, 5,000, 500, 50 एंड 5, ये जो है ये इन तमाम जितने 5s हैं उनकी प्लेस वैल्यू है। क्या है? प्लेस वैल्यू। बस किस जगह पर वो नंबर है, अगर 100 पर है तो वो 500 हो जाएगा, 1000 पे है तो 5000 हो जाएगा, 10,000 पे है तो 50,000 हो जाएगा, टेंस प्लेस पर है तो 50 और यूनिट प्लेस पर है तो सेम वही नंबर रहेगा। तो इस चीज को कहते हैं प्लेस वैल्यू। ओके, हम अभी दूसरा नंबर देखेंगे। आपकी किताब में ही फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 2nd एग्जाम्पल वाला नंबर है, ये देखिए 37,842। ये एक नंबर है, इसमें भी तमाम नंबर्स की आपको जो है प्लेस वैल्यू बताना है। कौन सी वैल्यू बताना है? प्लेस वैल्यू बताना है। तो अब प्लेस वैल्यू हम इसकी कैसे बताएंगे? सबसे पहले देखेंगे यूनिट प्लेस पे क्या है, 2, टेंस प्लेस पर 4, 100 पर है 8, 1000 पे है 7 और 10,000 पर है 3। तो इसकी प्लेस वैल्यू किस तरीके से चेंज हो जाएगी, इस तरीके से। 3 जो है 10,000 प्लेस पर है तो ये हो जाएगा 30,000। ये उसके आगे के जितने नंबर है ना उतने जीरो लगा देने का, इट्स वेरी इजी। 3 के आगे कितने डिजिट्स है, 1, 2, 3, 4। तो 4 अगर आपने जीरो लगा दिए तो वो इस 3 की प्लेस वैल्यू हो गई। नाउ इट्स 7। 7 के आगे कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 3, 0, यानी 7000। ये 7 की प्लेस वैल्यू हो गई। 8, 8 के आगे कितने डिजिट है, 2, तो हमने 2 जीरो लगा दिए तो 8 जो है 100 प्लेस पर है इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 800। उसी तरीके से टेंस प्लेस पर क्या है, 4, 4 के आगे 1 की डिजिट है यानी 40, तो टेंस प्लेस पर 4 है तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 40। और यूनिट प्लेस पर 2 है, मैंने आपको बता दी हूँ कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर रहेगा वो चेंज नहीं होता, वो वही रह जाएगा। तो इस तरीके से 30,000,
7842 ये इन नंबर्स की प्लेस वैल्यू है। अब आपकी किताब के अंदर क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। अब देखिए ये जो नंबर्स के नीचे अंडरलाइन आपको नजर आ रही है बेटा, इन नंबर्स की आपको प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है। फर्स्ट नंबर आपका है 1999। इसके लिए हम नंबर स्लेट यूज करेंगे 1000 वाली, ओके 1999, ओके 4 डिजिट नंबर है ना, इसलिए ठीक है। अब इसकी प्लेस वैल्यू मालूम करनी है और आपका अंडरलाइन कहां पर दिया गया है, ऑन दिस नंबर। इस नंबर की हमको प्लेस वैल्यू मालूम करनी है, तो कैसे मालूम करेंगे बेटा, देखिए यूनिट के प्लेस पर 9 है, 10 के प्लेस पर 9 है, तो ये 10th प्लेस पर है, उसके आगे कितने डिजिट है, ओनली 1 डिजिट, तो 10th प्लेस पर जो भी नंबर रहेगा उसकी वैल्यू ऑलवेज 10 के साथ रहेगी और वो है 90, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 होता तो उसकी 10 हो जाती, 8 होता तो 80 हो जाती, यानी 10th प्लेस पर जो भी नंबर रहेगा उसमें 10 लगता है, ओके। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 2345, ये आपका नंबर है, क्वेश्चन में है, ठीक है, हम प्लेस वैल्यू मालूम कर रहे हैं। और आपका अंडरलाइन नंबर कौन सा है, इसमें 2 है, 2 के नीचे अंडरलाइन दी हुई है, यानी इस नंबर की आपको प्लेस वैल्यू मालूम करनी है 2345, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है ऑलवेज वैसे ही रहेगा, 10 प्लेस पे अगर कोई नंबर है तो 10 लगेगा, 100 पर है तो 20 लगेगा, और 1000 पर है तो उस नंबर के आगे 30 लगेंगे क्योंकि वो 1000 प्लेस पर है, ठीक है, और उसके आगे 3 डिजिट्स हैं, यानी 30 होना जरूरी है। तो यहाँ पर 2345 में 2 की जो है प्लेस वैल्यू है 2000। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 2000, ठीक है, और अंडरलाइन है फर्स्ट इस पर। अब ऑलवेज बेटा 0 की कहीं पर भी अगर प्लेस वैल्यू रहेगी तो वो 0 ही रहेगी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 0 यूनिट प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। अगर 0 यहां पर है ना तो इधर भी 0 अगर है तो इसकी भी प्लेस वैल्यू 0 ही रहेगी, डोंट वरी, इसमें टेंशन नहीं लेना है आपको। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 4835, ओके, और अंडरलाइन नंबर है आपका 8 के नीचे आपकी अंडरलाइन है, यानी 8 की आपको वैल्यू मालूम करनी है। अभी टीचर ने बताया यूनिट प्लेस का नंबर चेंज नहीं होगा, जो भी है वही नंबर रहेगा, 10th प्लेस पर कितने 0 लगेंगे, 1, अब ये 100th प्लेस पर है तो कितने 0 लगेंगे, 2, यानी 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 800, क्या हो जाएगी, 800, देखिए उसके आगे 2 डिजिट है, 20, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 3749, ओके, इसमें अंडरलाइन नंबर कौन सा है, 9, यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस के अगर नंबर के आपको
प्लेस वैल्यू निकालना है तो इट्स वेरी इजी, ऑलवेज क्या रहेगा, 9। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू इसकी क्या आएगी, यूनिट प्लेस पर है तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, ओनली 9 ही रहेगी, इसकी प्लेस वैल्यू में चेंजेस नहीं आएंगे, 9 की प्लेस वैल्यू 9 ही रहेगी। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज, अब हम अपनी नंबर स्लेट चेंज कर रहे हैं और नंबर ले रहे हैं हम 56,708। ठीक है, ये आपका नंबर है और आपको कौन से नंबर की जो है प्लेस वैल्यू मालूम करना है वो है 5। दिख रहा है आपको? ठीक है, अब इसकी आपको प्लेस वैल्यू मालूम करनी है। यूनिट के प्लेस पर 8 है, टेंस के प्लेस पर 0, 100 के प्लेस पर 7, 1000 के प्लेस पर 6 और 10,000 के प्लेस पर 5 है। तो अब ये 5 10,000 के प्लेस पर है, आगे कितने डिजिट है इसके, 1, 2, 3, 4, तो ये कितना हो जाएगा 50,000। कितना हो जाएगा ये 50,000, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 50,000। ठीक है, अब अगर ये 6, अगर ये किताब के अंदर था, हमने पता कर लिया कि इसकी जो प्लेस वैल्यू हो गई 50,000। अब ये जो है 6 है, 6 की अगर प्लेस वैल्यू पूछ रहेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी 6,000, कितने जीरो के साथ, 3 जीरो के साथ। 7 जो है 100 प्लेस पर है, इसकी अगर प्लेस वैल्यू है मालूम करनी है तो ये क्या हो जाएगी 700। 10 के प्लेस पर 0 है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है 0 ही रहेगी, और 8 जो है यूनिट प्लेस पर है तो इसकी 8 ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम प्लेस वैल्यू जो है नंबर्स की फाइंड आउट करते हैं। इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा, इसकी मैं बाकायदा एक्सरसाइज भी आपको लिखकर भेज रही हूँ। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज़।